आज हम वाइंडिंग करेंगे 16+16 स्टेटर की, जिसकी स्टेपिंग बहुत ही हैवी है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए अपनी मशीन की डाई को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आज हम आपको वाइंडिंग करके दिखा रहे हैं 16+16 स्टेटर को। इसमें बहुत से भाइयों को एक परेशानी और आती है, जो हमारी डाई होती है उसका साइज स्टेटर के साइज से छोटा रह जाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले हम डाई को लगा लेते हैं, मशीन को सेट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो स्टेटर की चौड़ाई होती है वो डाई की चौड़ाई से अधिक होती है, तो हमारी वायर स्लॉट के अंदर नहीं जाती है, बाहर रुक जाती है। ये जो आज हम स्टेटर भरने जा रहे हैं, ये ओरिएंट का फ़ैन है, 52 इंची का, 52 इंची ओरिएंट का फ़ैन है। तो इसमें हमें पूरी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, स्टेटर साइज भी हमारा बड़ा है इसमें। तो हम पहले डाई को खोल लेते हैं, क्योंकि हमारा स्टेटर अंदर नहीं जाएगा। अब हम अंदर करते हैं, पहले हम स्टेटर को सीधा सेट कर लेते हैं। स्टेटर हमारा ठीक लग चुका है, अब हम इसको सेट कर देते हैं। स्टेटर हमारा सेट हो चुका है, स्टेटर हमने लगा लिया है। अब हम फर्मे को थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी 16+16 स्टेटर वाइंडिंग में ही होती है। अभी हमारी स्लॉट रुकी हुई है, पहले हम इसको साफ कर देते हैं। साफ़ हो चुका है, अब करते हैं अंदर इसको, यहाँ से करते हैं स्टार्ट। ये हो चुका है सेट, फर्मा भी हमने सेट कर लिया है। नीचे से देख लेते हैं, नीचे से भी ठीक है, वैसे ये स्लॉट के बराबर आ रही है डाई। 52 इंची फैन है ये ओरिएंट का, ओल्ड मॉडल, लेकिन इसमें हमारी डाई फिट बैठ रही है। किसी किसी में स्टेटर का साइज़ बड़ा हो जाता है डाई से, तो हम यहाँ पर पेपर लगा कर बांध लेते हैं, जिससे हमारा वायर स्लॉट के अंदर ही जाता है। इसकी लंबी कोयले बनती है इस स्टेटर की। बहुत सावधानी से भरना पड़ता है ये, इसमें वायर बहुत ही ज़्यादा अटक जाती है।
इसके अंदर 16 कोयले हैं स्टार्टिंग की, 16 रनिंग की, 16 प्लस 16 32 कोयलों का ये स्टेटर है। इसमें बहुत टाइम लगता है वाइंडिंग में। इसके बाद हमारी लास्ट एक कोयल और बचेगी। हमारी स्टार्टिंग की वाइंडिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब हम वायर को तोड़ लेते हैं यहाँ से। ये आप फिनिशिंग देख सकते हो, 16 प्लस 16